श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। 10 जनवरी दिन मंगलवार, गणेश संकट चतुर्थी व्रत है। हर वर्ष माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश संकट चतुर्थी व्रत जो है वो माताएं अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए, लंबी उम्र के लिए ये व्रत जो है माताएं अपने बच्चों के लिए करती हैं। तो इसी दिन हमने एक छोटा सा उपाय भी करना है अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए। अगर आपके बच्चे आपका कहना नहीं मानते हैं, या पढ़ाई में कमजोर हैं, या फिर जो है कहीं गलत मार्ग में भटक गए हैं, तो उनके लिए माताएं एक छोटा सा उपाय अगर अपने बच्चों के लिए करेंगे तो आपके बच्चे सदैव आपके आज्ञाकारी रहेंगे, सही मार्ग पर चलेंगे, और पढ़ाई में भी कमजोर हैं तो उनका मन भी हमेशा पढ़ाई में लगा रहेगा। तो सरल सा उपाय है, इस उपाय को अवश्य अपने बच्चों के लिए हर माता को करना चाहिए। उपाय को अच्छे से समझिएगा, वीडियो अच्छी लगे दूसरों के साथ भी शेयर करिएगा ताकि दूसरे लोग भी इस उपाय का लाभ उठा पाए। उपाय करने के लिए हमने क्या करना है, हमने लेने हैं गुड़। जैसे कि आप जानते ही हैं, इस व्रत में जो है गुड़ और तिल का खास महत्व है। इस दिन अगर आप तिल और गुड़ जो है भगवान गणेश को भी समर्पित करते हैं तो इससे भी हमारे बच्चों की लंबी उम्र होती है। तो हमने भी लेना है थोड़ा सा गुड़, एक टुकड़ा ले लेंगे। उसको आपने तोड़कर उसके कितने हिस्से कर लेने हैं, 7, यानी 7 छोटे छोटे टुकड़े आपने गुड़ के ले लेने हैं। इसके साथ हमें क्या चाहिए, तिल। तिल हमें कौन से चाहिए, सफेद तिल। सफेद तिल आपने ले लेने हैं, थोड़े से ले लीजिएगा। फिर आपने एक पात्र के अंदर लेना है जल। अपने घर से ही एक पात्र लीजिएगा, उसके अंदर जल भरिएगा, उसी के अंदर आपने 7 टुकड़े जो हैं वो गुड़ के डाल देने हैं, और उसी के अंदर आपने जो तिल है, 1 चुटकी 2 चुटकी जितना आप डालना चाहें आपने तिल भी उसके अंदर डाल देना है। अगर तो बच्चा स्वयं ये उपाय कर सकता है तो उसके हाथों से ये उपाय करवाइए। अगर बच्चा नहीं मंदिर जाना चाहता है, या मंदिर जाना पसंद नहीं करता है, या आपका कहना ही नहीं मानता है, तो आप उसका हाथ लगवा दीजिए, यानी इस पात्र को उसका टच करवा दीजिए। उसके बाद आपने, यानी कि जो बच्चे की माँ है उसने जाना है भोले बाबा के मंदिर में। जी हाँ, आपने जाना है भोले बाबा के मंदिर में शाम के समय, प्रदोष काल में। सुबह नहीं जाना है, शाम को ही जाना है। वहां पर जाकर आपने अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य की कामना के साथ ये जो आप पात्र लेकर गए हैं, ये जल आपने शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। अपने बच्चे की लंबी उम्र के लिए कामना करिए, उज्जवल भविष्य के लिए कामना करिए, और उसके बाद आप अपने घर वापिस आ जाइए। जो माताएं व्रत करती हैं वो जैसे व्रत करती हैं वैसे ही उसका पालना करेंगी, लेकिन उसके साथ एक ये छोटा सा उपाय भी प्रदोष काल में भोले बाबा के मंदिर में जाकर अगर आप कर आएंगे तो इससे भी आपके बच्चे जो हैं सही मार्ग पर चलेंगे, उनकी लंबी उम्र होगी, वो सही शिक्षा लेंगे, और उनका मन भी पढ़ाई की तरफ लगेगा। तो सरल सा उपाय मैंने आपको बताया है, अवश्य संकट चतुर्थी के दिन इस उपाय को करिए और इसका लाभ हासिल करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।